अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 39, मोर अबाउट द मैटर वेज, प्रॉब्लम 21। वो कहता है फॉर द रीजन एक्स इज ग्रेटर देन एल द फाइनाइट पोटेंशियल वेल का केस है, वेव फंक्शन दे रहा है डी एक्सपोनेंशियल 2kx, सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का वन डायमेंशनल फॉर्म में, डी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, के यहाँ पे पॉजिटिव है। तो फिर वो कहता है किस बेसिस पे आप मैथमेटिकली इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते हो और फिजिकली अनएक्सेप्टेबल हो। तो श्रोडिंगर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एल हम जानते हैं इक्वेशन, इसमें हम वेव फंक्शन की वैल्यू डाल देंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशियल करके इसको वैल्यूज दे लेंगे। अब आपके पास ये टूल इस तरीके से आ जाएगा, डी की पावर 2kx को हम क्या कर लेंगे जनाब, कि इसको दोबारा वेव फंक्शन की लैंग्वेज में लिख देंगे। अब कॉमन लेके इसमें से जो इसका कोफिशियंट है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वेव फंक्शन तो जीरो नहीं होगा, तो ये सारी चीज इक्वल टू जीरो करके यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, के बराबर आ जाएगा 2π² mh² μ0 - e² √ डाल के दोनों तरफ से सिंपल के की वैल्यू ले लेंगे। अब ये जो प्रपोज्ड फंक्शन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है अगर हम के की ये वाली वैल्यू रखें, तो मैथमेटिकली तो बात सही है, अगर मैं के की ये वैल्यू रखूंगा तो रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यू नॉट ग्रेटर होता है ई से, अगर हम देखें जब x इज ग्रेटर देन l है तो तब ये u जो है ये u नॉट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब ये वाली एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। तो यही बात हम कर रहे हैं कि भाई आपके पास तो भी जो क्वांटिटी आपके पास आ रही स्केयर रूट में वो पॉजिटिव है, इसका मतलब k का जवाब रियल आना चाहिए। तो उसने खुद बताया था k पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे जो प्रपोज्ड फंक्शन है वो फिजिकली अनरियलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था x से और लार्जर हो जाएगा विदाउट द बाउंड, तो इंटीग्रल जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एंट है वो तो यूनिटी होना चाहिए, जबकि ये तो बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये इम्पॉसिबल है प्रपोज्ड फंक्शन। ठीक है, तो फिजिकली हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैथमेटिकली तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।